तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों फाइटर मूवी की डे थ्री की यानी कि फर्स्ट सैटरडे की 27 जनवरी की फाइनल एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आ चुकी है और क्या ही ब्लॉकबस्टर तबाही वाली एडवांस बुकिंग सामने निकल कर आई है। फर्स्ट सैटरडे को पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर राज रहने वाला है फाइटर मूवी का। तो चलिए आपको बताते हैं कि डे थ्री में इसकी जो ऑफिशियल एडवांस बुकिंग है वो कितनी हुई है और आज डे थ्री के दिन इसका ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एडवांस बुकिंग के हिसाब से कितना आ सकता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो 27 जनवरी यानी कि सैटरडे के दिन के सुबह 6 बजे तक की रिपोर्ट है, जिसमें हिंदी के 2D से 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। हिंदी की 2D में 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 1,40,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। हिंदी की 3D में 4.35 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 1,32,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। हिंदी के IMAX 3D में 70 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 12,700 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। हिंदी के 4DX 3D थिएटर्स से 28 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 4,578 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। इसके बाद हिंदी के ICE 3D वर्जन से 1.72 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 242 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। और लास्ट में हिंदी के IMAX 2D वर्जन से 1.3 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 242 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अब अगर हम इन 6 वर्जन का टोटल कर देते हैं कि फाइटर की हिंदी 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D, ICE 3D और IMAX 2D से टोटल कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, तो फाइटर मूवी की डे थ्री में 27 जनवरी को जो ऑफिशियल एडवांस बुकिंग है वो 9.28 करोड़ की हुई है। जी हाँ दोस्तों, अनबिलीवेबल 9.28 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें टोटल 2,90,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अब दोस्तों ये एडवांस बुकिंग कल के मुकाबले तो कम है, कल 13 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी और आज ऑलमोस्ट 9.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। लेकिन अगर हम डे वन की एडवांस बुकिंग से कंपेरिजन करते हैं तो पहले दिन 25 जनवरी को यानी कि जो थर्सडे का दिन था, उस दिन 8.4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी। डे वन के मुकाबले ऑलमोस्ट 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग ज्यादा डे थ्री में हमें फाइटर करती हुई नजर आ रही है। अब 9.28 करोड़ की डे थ्री में एडवांस बुकिंग हुई है, इसका मतलब इसका नेट कलेक्शन कम से कम 30 करोड़ का आएगा, ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़ का, ओवरसीज 10 करोड़ का और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 46 करोड़ के ऑलमोस्ट फाइटर डे थ्री में करती हुई नजर आएगी। और तीसरे दिन इसका जो कलेक्शन है वो 100 करोड़ के पार चला जाएगा। पहले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 94 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है और तीसरे दिन ये कलेक्शन 140 करोड़ को टच कर सकता है। अब आप बताइए, अगर आपने फाइटर मूवी देखी है ऋतिक रोशन की, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर की, तो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।